बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए कुरान पाक के 100 मुख्तसर मगर इंतहाई मौसर पैगाम। गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी ना करें, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई करो, तकबर ना करो, दूसरे की गलतियों को माफ कर दो, लोगों के साथ आस्ता बोला करो, अपनी आवाज ऊंची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, वालदैन की खिदमत किया करो, वालदैन से उफ तक ना करो, वालदैन की इजाजत के बगैर उनके कमरे में दाखिल ना हुआ करो, लेन देन का हिसाब किताब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तलकीद ना करो, अगर मकरूज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो उसे अदायगी के लिए मजीद वक्त दे दिया करो, सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, वादा ना तोड़ो, दूसरों पर इत्माद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत खानदान के तमाम अराकीन में तकसीम किया करो, खवातीन भी विरासत में हिस्सादार है, यतीमों की जायदाद पर कब्जा ना करो, यतीमों की हिफाजत करो, दूसरों का माल बिला जरूरत खर्च ना करो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, किया करो, जासूसी ना करो, फिरात गुरबा को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची ना किया करो, फिरात करके जतलाया ना करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो, जमीन पर बुराई ना फैलाया करो, लोगों को मस्जिदों में दाखिल होने से ना रोको, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ो, जंग के आदाब का ख्याल रखो, जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं है, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, हेस के दिनों में मुबाशरत ना करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ, जिनसी बदकारी से बचो, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो, किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ ना डालो, मुनाफकत से बचो, कायनात की तखलीक और अजायब के बारे में गहराई से गौर करो, औरतें और मर्द अपने माल का बराबर हिस्सा पाएंगे, बाज रिश्तेदारों से शादी हराम है, मर्द खानदान का सरबराह है, बखील ना बनो, हसद ना करो, एक दूसरे को कत्ल ना करो, फरेबी की वकालत ना करो, गुनाह और ज्यादती में दूसरों के साथ तावन ना करो, नेकी में एक दूसरे की मदद किया करो, अक्सरियत सच की कसौटी नहीं होती, सही रास्ते पर रहो, जराइम की सजा देकर मसाल कायम करो, गुनाह और नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करते रहो, मुर्दा जानवरों खून और सुअर का गोश्त हराम है, शराब और दूसरी मनशियात से परहेज, जुआ ना खेलो, हेरा फेरी ना करो, चुगली ना खाओ, खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो, नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनो, आपसे जो लोग मदद और तहफ्फुज मांगे उनकी हिफाजत करो, उन्हें मदद, तहारत कायम करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ना दनास्तगी में की जाने वाली गलतियां माफ कर देता है, लोगों को दनाई और अच्छी हदायत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ, कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, जिस चीज के बारे में इल्म ना हो उस पर गुफ्तगू ना करो, किसी की टो में ना रहा करो, तजस्सुस ना करो, इजाजत के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, अल्लाह अपनी जात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है, जमीन पर आजी के साथ चलो, अपने हिस्से का काम करो, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन तुम्हारा काम देखेंगे, अल्लाह की जात के सिवा किसी को शरीक ना करो, हम जिंस परस्ती में ना पढ़ो, हक सच का साथ दो, गलत झूठ से परहेज करो, जमीन पर रटाई से ना चलो, औरतें अपनी जीनत की नुमाइश ना करें, अल्लाह शिर्क के सिवा तमाम गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बुराई को अच्छाई से खत्म करो, फैसले मुशावर के साथ किया करो, तुम में वो ज्यादा मौजूद है जो ज्यादा परहेजगार है, इस्लाम में तरके दुनिया नहीं है, इल्म अल्लाह इल्म वालों को मुकदम रखता है, गैर मुसलमों के साथ मेहरबानी और अखलाक के साथ पेश आओ, खुद को लालच से बचाओ, अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है, जो दोस्त सवाल करे उसे ना झिड़को बल्कि हसबे तौफीक कुछ दे दो, सुभान अल्लाह, सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।